बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश हुर्रम और आबाद रखे। तो गैस, आज कुकिंग विद रहला में बनने जा रहा है अंडे आलू की ग्रेवी। तो इनके लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है, तो आगे चलते हैं। हमने यहाँ लिया 7 अंडे, 2 दरमियानी प्याज, हमने इसको ब्लेंड कर दिया है, ठीक है ना। और ये है 3 अदर टमाटर है, 1 अदर गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, हसब जायका नमक है, आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, आधे से भी कम हमने लिया है धनिया पाउडर और 3 अदर आलू। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये पहले अंडे उबालेंगे, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम पहले ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। इससे ये होता है, जब आप अंडे छीलते हैं तो आपके अंडे चिपकते नहीं हैं, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह, ज़्यादा डाल दें, थोड़ा टेस्ट अंडों में भी आ जाता है, ठीक है। तो गाइस, अब ये देखें, हमारा ऑयल उब जाए गर्म। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम इसको अच्छे से करेंगे गोल्डन ब्राउन हमेशा की तरह। फिर इसमें हम टमाटर और बाकी अज्जा को डालते हुए दिखाएंगे। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये कुक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे देखें प्याज हो गए हैं जल्दी। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए, अब हमारा प्याज और टमाटर एक जगह हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये तमाम मसाले। हमने सब डाल दिया एक साथ, हम इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि टमाटर में जो हमने ब्लेंड किया था, उसमें हमने डाला था पानी, तो अगर हम पानी इसको इसमें डालते तो मसाला होता नहीं और कच्ची स्मेल देता। तो इसलिए पहले हमने थोड़ा सा इसका पानी सुखाया, फिर अब इसमें हमने डाला है मसाला। अब 1 सेकंड के लिए हम इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें कर देंगे थोड़ी सा शोरबा, ताकि हमारा मसाला जलेगा। अब ये हमारा मसाला हो गया मिक्स, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो ना प्याज टमाटर मसाला एक जगह हो जाए। तो अब देखते हैं ग्रेवी कहाँ तक पहुँची, ठीक है। अब बन गया था हमारी ग्रेवी का, ये भून चुकी, ठीक है। आलू अब हम इसको इसमें गलाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए, फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और अंडे का दम करेंगे, ठीक है। और आप अंडे दे सकते हैं, देखें ग्रेवी, इसमें ज़रा सा भी कहीं से स्किन नहीं चिपका। नमक डालने से कभी भी स्किन चिपकती नहीं है। तो देखते हैं अभी हमारा सामान कहाँ तक पहुँचा। तकरीबन बिल्कुल डन पे है, ठीक है। अभी हम इसको हिला के सिर्फ आलू कट करेंगे। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, ये आलू भी देखें पूरा रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसमें बॉयल एग्स डालेंगे, थोड़ा सा उसको चलाएंगे ताकि एक जैसा लगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और तो गाइस, अब ये देखेंगे हो गया रेडी। अब हम इसको करेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स, आज की डिश आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर लीजिएगा, और अगर मेरे पेज में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं कल एक नई रेसिपी से फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।